अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल बासित, आप लोग कैसे हैं? और दोस्तों, आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक महीना हो गया मैं आपका भाई अब्दुल बासित वीडियो नहीं अपलोड किया। आज मैं घर से निकलने वाला हूँ इंशाल्लाह। आज मैं केरला से दिल्ली जाने वाला हूँ, इसके बाद मैं वहाँ से यूपी जाऊँगा और इंशाल्लाह किस तरीके से मैं सफ़र करूँगा और पूरा अपडेशन आप लोगों को। और दोस्तों, ये है मेरा बैकपैक, देखो पूरा भर गया पूरा बैकपैक इसके, और कपड़ा वगैरह कुछ सामान है, और ये मेरा हैंड बैग है, ठीक है। और ये दोनों बैग मेरे को हेल्प होगा, और ये जैकेट है। अभी ठंडा का मौसम है ना, और सर्दी का मौसम होती है, अभी जैकेट का ज़रूरत है। और कुछ दो दिन के लिए खाना भी है इसमें, और इंशाल्लाह फटाफट अपनी रूम से अपनी घर से निकलने वाला हूँ। थोड़ा दर्द लगता है यार, क्योंकि आप लोग को पता है अपनी घर छोड़ के और दूसरा कुछ गाँव में जाके तो बड़ी दुख होती है। एक दो दिन ऐसी होती है टेंशन में, फिर सही हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ में याद रखना, ठीक है, और इंशाल्लाह सफ़र में मिलते हैं। दोस्तों, मैं जल्दी भाग के आ गया, क्योंकि अभी यहाँ से मेरे को 5 किलोमीटर बस में जाना है, लोकल बस में जाना है, और इसके बाद वो कालीकट बोलती है, कोड़ीकोड बोलती है, वहाँ से मेरे को ट्रेन है 5:20 में, और मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस दिल्ली के लिए। और अभी 2:50 हो गया, ठीक है, और इंशाल्लाह। और ये हमारा गाँव है, और गांव के आसपास ये मस्जिद है, हमारे गांव की मस्जिद है, मतलब ये जमा मस्जिद नहीं, ऐसी नॉर्मल नमाज पढ़ती है, ऐसी मस्जिद है, ठीक है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा। अभी तो 4:15 हो गया, अभी मैं कालीगढ़ में पहुंच गया। ये है केरला की चिप्स, एक बार दिखा सकते हैं, ये केला वाली चिप्स, वो हमारा भाई शमीर, उसके लिए मैं लेके जाऊँ और मैं भी खाऊँगा साथ में। ये है केला वाली, और ये है कालीकट हलवा, कोई कौन हलवा है ना, कोई कौन हलवा। अच्छा, कैसे लगता है आपको? ये कोई कौन हलवा बोलती है, केरला की मशहूर हलवा है, और ये है चिप्स बोलते हैं, और वो केला वाली चिप्स, काफ़ी वेराइटी है यहाँ, छोटा वाली ये भी चिप्स है ना, कटपीस चिप्स है, पूरा ए सी ये मीठा है, ये मीठा वाली, अच्छा अच्छा ये मीठा वाली चिप्स, बहुत नमकीन है। आपका नाम क्या? मोहम्मद नजीब भाई, माशाल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया, मैंने इसी रास्ते से जा गया था ना, उससे उन्होंने बुलाए थे, उन्होंने मेरे को याद नहीं था, क्योंकि समीर भाई ने बताए थे मुझसे ऐसे आप चिप्स लेके आओ, मैं ले लिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कल शाम में मैंने कालीकट से गाड़ी पकड़ा है, कम से कम 5:40 हो गया, 15-20 लेट हो गया था। आज दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फ़िलहाल 12 बजने वाला है, क्योंकि तो अभी पनवेल पहुंचा है मुंबई, ठीक है। और मैंने डेढ़ वाली एसी कोच में था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि फैमिली वगैरह था। अभी पनवेल पहुंचने वाला है, ठीक है, मुंबई की बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेगा आप लोगों को, पनवेल पहुंचने वाला है। मौसम तो बड़ी शानदार है, क्योंकि अभी फ़िलहाल केरला में आप लोगों को पता है मौसम तो गर्मी मौसम है, इसलिए मैंने मतलब मैं एसी में बहुत कम सफ़र किया हूँ, क्योंकि वो स्लीपर वाला कोच नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने डेढ़ वाली एसी ले लिया, थोड़ा बढ़ती टिकट ले लिया, कम से कम 2,000 की 2,500 के ऊपर था टिकट, क्योंकि टिकट नहीं मिल पाए थे। और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और कल दोपहर में कम से कम 1:20 में इंशाल्लाह वो निज़ामुद्दीन में पहुंचेगा ट्रेन, बाकी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं अभी तक। देखो रेलवे के राइट वाली रास्ते पे देखिए, छोटे छोटे गेट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास में ये घर, माशाल्लाह यार, ये हालात देख के मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि
अब तो अल्लाह तबारक तआला हमको बड़ी खुश नसीब दिया। देखो ये लोग का हालत, मुंबई के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है इतना बड़ा शहर है। काफ़ी ट्रेन यहाँ की भी खड़े हैं, पनवेल पहुँचने वाले हैं, पनवेल। ठीक है, क्या टैंकर में तेल होगा? नहीं तो तेल होगा, हो सकता तेल। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ जिसे। टाइम तो 2:30 बज गया, मैं खाने का टाइम थोड़ा लेट हो गया, मैं घर से लेके आए ये चपाती है, ये सोयाबीन है, सोयाबीन कम से कम कल शाम में मैंने लेके आए थे, अभी तक कोई ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि ये पत्ती होती है केले वाले पत्ती, इससे ना इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। आप एक दिन रखो, दो दिन रखो, आपका वो खाना ख़राब नहीं होती। और हाथ मतलब अलग अलग पैक करके, मैं सुबह में ये खा लिया, तो भी दोपहर में ये खा लिया, और शाम में भी ये खाऊँगा। ये मेरे पास एक ही पड़ा है पनीर में, और तो ये है एसी वाली कोच। इसके ना पहले पूरा फैमिली था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, ये थर्ड वाली एसी है। अभी मैं खाना खा के आप लोगों को मिलूंगा, ठीक है। कल क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक फैमिली था, वो कल्याण जंक्शन के लिए एक फैमिली वहाँ बैठे थे, फिर बच्चा था वो, काफ़ी लोग था, इसलिए मैंने नहीं बन पाए थे, क्योंकि कुछ लोग का ना सामने वीडियो बगैर पूछ के वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगते, बड़ी लाइटिंग होती है अभी, इसलिए मैंने नहीं बन पाया। क्या तस्वीर है यार, माशाल्लाह, देखो इतना खूबसूरत ही जगह यार, माशाल्लाह यार, तो यार पता नहीं यार किसके काम चल रहे हैं। हल्के हल्के हवा भी चल रहे है और मौसम भी थोड़ा थोड़ा धूप, और माशाल्लाह बड़ी मस्त मौसम है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन सफ़र है ना, मुझे अच्छा लगता है एसी के भी ज़्यादा स्लीपर में सफ़र करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वही टेस्ट के साथ, और वो पत्ती में ना, पत्ती में डाल के खाना लेके आए थे ना, कभी भी ख़राब नहीं होती और अच्छा लगेगा, और खाना अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह खाना खा लिया मैंने, कम से कम 3 बज गए अभी। देखो ट्रेन यहाँ रुका पड़ा है बिल्कुल पास में, देखो इतनी पास में पत्थर है पूरा, देखो पूरा वेस्ट पूरा छोड़ दिया रास्ते पे। एसी होती है यार, हर जगह में जाती है एसी, इस तरीके से मिलती है, साफ से तो बहुत कम मिलते हैं यार हमारी, क्या बताऊँ, सब जगह में, कोई जगह में साफ सुथरी नहीं मिलती, क्योंकि एसी हालत होती है, सब किसी भी मतलब ख़राब चीज़ सब फेंकती। यहाँ वेस्टबिन है, ये तो पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा पड़ा है, लेकिन ये क्लीन नहीं करते। टॉयलेट वगैरह इतना साफ नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। ये तो टेढ़ी एसी के हालात ही है, टेढ़ी एसी के हालात ही है, इसके अंदर है टेढ़ी एसी। गार्डन वगैरह इतना साफ सुथरा नहीं है यार दोस्तों, एसी में ये हालात है, फिर लोकल ट्रेन में क्या हालात होगा आप लोग सोच लेना, ठीक है। हल्के हल्के धूप निकल रहे हैं, कल पता नहीं क्या कोई गाड़ी आने वाला हो, इसलिए रुका हुआ गाड़ी। कल शाम में वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि एकदम मैंने वहाँ बैठा सीट पे, फिर वो
वो वाली वो कल्याण जाने वाला एक फैमिली था, फिर मैंने सोचा यार वीडियो नहीं मिल पाऊँ क्योंकि ऐसे ही मैंने सो गया था नमाज पढ़ के। अभी इंशाल्लाह अभी कल्याण हो गया, पनवेल हो गया, कल दोपहर में निज़ामुद्दीन पहुँचेगा और बाकी लंबा सफ़र है, अभी भी बाकी है, एक दिन का सफ़र भी बाकी है। और इंशाल्लाह वहाँ से मैं इंशाल्लाह यूपी जाऊँगा, यूपी के लिए ट्रेन 7:55 में ओल्ड दिल्ली से मेरे को ट्रेन, ठीक है। इसके बीच में भी पता नहीं यार, क्योंकि मैं तो 2-3 बजे में मेरे को ट्रेन मिल सकते थे, हमने मतलब आनंद विहार से बस मिल सकती है, क्योंकि अगर ये ट्रेन अभी भी लेट के साथ ये चल रहा है, अगर वो 1-2 घंटा लेट गए तो प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए मैंने क्योंकि थोड़ा आगे में टिकट ले लिया ट्रेन के। दुआ आप लोग के साथ इंशाल्लाह, आप लोग दुआ कर लेना हमारा सफ़र आसान हो और इंशाल्लाह भाई किस प्रकार के जा रहे हो कुछ मकसद होगा दिल में ना, मैं इंशाल्लाह आप लोग को साथ में शेयर करूँगा सारे डिटेल्स और आप लोग हमारे साथ बने रहना, ठीक है। ट्रेन का व्यू है ना वो दरवाजे के बीच में से उधर साइड इधर साइड से व्यू मिलते हैं ना, बड़े अच्छा है। लेकिन यार ना ये जगह में कभी भी सफ़र करना, यहाँ बैठना तो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि अगर गिरा है तो यार ख़त्म हो जाएगी, हमारा परिवार हमारा माँ बाप सब हमें वेट कर रहे हैं ना, इसी भी प्रकार यहाँ बैठना अच्छा नहीं, क्योंकि अगर कोई धमकी दे हो कोई तमाशा के कोई ड्रामा के तो ख़त्म होना हमारा ज़िंदगी। दोस्तों मेरे को एसी का भी ज़्यादा मज़ा मिलते है क्योंकि वो स्लीपर में जाना है, स्लीपर में अच्छा लगता है, एसी के अंदर से इतना वीडियो नहीं बन पाए और एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं पहले भी एसी में सफ़र किया था 1-2 बार, अभी फ़िलहाल मेरे को स्लीपर में टिकट नहीं मिल पाई इसलिए मैंने इसमें सफ़र कर रहा हूँ वो एसी के अंदर, क्योंकि थोड़ा लोग मसल पकड़ के बैठते हैं क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा लोग होते हैं ना, अब तो मैं तो मजबूरी में जा रहा हूँ। क्या सीन है यार, क्या सीन है, अगर फोटो खींचने के लिए अच्छा लगेगा यह जगह, तो सीट भी है इस तरीके से। तेरा खुदा कोई और है ना, मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ जिसे ढूंढता है।